वैसे आप में से तो सभी प्लास्टिक और पॉलीथीन के बारे में तो जानते ही होंगे। अरे वही पॉलीथीन जिसका उपयोग हम सामान को ले जाने में करते हैं। बाई चांस आप मार्केट गए और अपना झोला घर भूला है, तो उस दौरान आप सब्जी वाले से या फिर उस दुकानदार से कहते हैं कि भैया सब्जी मैं झोला नहीं लेके आ पाया हूँ, मेरा सब्जी आप एक पॉलीथीन में करके दे दीजिए। कहीं ना कहीं आप जब पॉलीथीन वर्ड यूज करते हैं उसके दौरान आप एक केमिकल वर्ड यूज करते हैं। पॉलीथीन एक केमिकल वर्ड है। हाँ, पॉलीथीन कैसे बनता है और ये इसका निर्माण कैसे होता है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। पॉलीथीन के शब्द में ही आता है पॉली प्लस एथीन। पॉली का मतलब होता है पॉलीमराइजेशन, एक मेथड हो गया, और एथीन का मतलब होता है वह जिससे वो पॉलीथीन बनता है। एथीन का उपयोग आप दैनिक जीवन में हमेशा करते हैं। जैसे आपके गांव में जो बिल्डिंग करने वाले जो लोग होते हैं, जो गैस बिल्डिंग करते हैं, तो गैस बिल्डिंग करने के दौरान जिस गैस का उपयोग करते हैं वही एथीन गैस है। ठीक है, अब वो बनाते कैसे आप तो खुद ही देखे होंगे। वो एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, पानी के अंदर डालते हैं और वहां से गैस बनना चालू हो जाती है। वो जो छोटा सा टुकड़ा वो लेते हैं वही टुकड़ा होता है सिलिकॉन कार्बाइड या फिर कैल्शियम कार्बाइड हो सकता है। तो हम यहाँ पे लेते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। हम यहाँ पे पहले एथिलीन गैस बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम पॉलीथीन बनाते हैं। तो सिलिकॉन कार्बाइड का केमिकल फार्मूला होता है SiC2। अब जब सिलिकॉन कार्बाइड को आप पानी के अंदर डालेंगे तो पानी के अंदर डालने के बाद ये बनाता है एथीन गैस या फिर एथिलीन गैस, और साथ में बनाता है सिलिका SiO2। इसका बैलेंस करके देख लीजिए आप, कार्बन दो, हाइड्रोजन चार है, यहाँ पे कर लेते हैं दो दो चार हो गया, और ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन यहाँ पे दो, सिलिकॉन, यानी कि केमिकल फार्मूला भी, केमिकल इक्वेशन भी हमारा संतुलित है। यानी कि जब वो सिलिकॉन कार्बाइड को पानी के अंदर डालता है तो क्या बनाता है, एथिलीन गैस बनता है, एथिलीन गैस। अब यही जो एथिलीन गैस होती है इसी का उपयोग हम क्या करते हैं, पॉलीथीन बनाने के लिए करते हैं। अब कैसे एथिलीन से पॉलीथीन बनता है, तो वह मेथड को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन, यानी कि जिस मेथड के द्वारा हम पॉलीथीन का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। अब हमें लेना है सिर्फ एथिलीन। एथिलीन का केमिकल फार्मूला भी हमने क्या रखा, C2H4। C2H4 का आप स्ट्रक्चर फार्मूला भी देख लीजिए, जो कार्बन और यहाँ पर दो कार्बन है, हाइड्रोजन चार है। अभी इसके अंदर हमें पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। इसका नाम क्या है, पहले हम नाम लिख लेंगे। नाम इसका है एथिलीन। एथिलीन का मतलब क्या हुआ, इसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। एथिलीन का मतलब हो गया एथीन प्लस एथिल लिख लेते हैं, ठीक है, एथिल प्लस ईन। इसको दो भाग में तोड़ा, संधि विच्छेद आप पढ़े होंगे क्लास टेंथ में। तो ये जो एथिलीन है, एथिलीन को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, एथिल प्लस ईन। और आपको नोमेल कल्चर में सिखाया गया था क्लास टेंथ में कि जिस केमिकल कंपाउंड के, कार्बनिक कंपाउंड के लास्ट में हम नाम पढ़ते समय इन आता है, तो आप समझ लीजिए उसके अंदर कौन सा बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यानी कि जो C2H4 है, इस C2H4 के अंदर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। पहले डबल बॉन्ड लगा दिया, हाइड्रोजन चार है, यानी कि दो हाइड्रोजन इसके साथ और दो हाइड्रोजन इसके साथ। तो ये है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला एथिलीन का। और जब एथिलीन रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने का मतलब जब उसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है तब बनता है पॉलीथीन। अब ये केमिकल रिएक्शन थोड़ा आप ध्यान देंगे, हम क्या लेते हैं, पहले पहले हम ले लेते हैं एथिलीन, ये हमने ले लिया एथिलीन। अब जब एथिलीन का हम कराएंगे पॉलीमराइजेशन, यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन जब इसका आप कराएंगे तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक करता है, ये बॉन्ड टूटता है। और लेकिन एक चीज आपको ये भी ध्यान देना कि पॉलीमराइजेशन कराते समय हमें ये सिर्फ इसका मॉलिक्यूल नहीं टूटता है, इसका मॉलिक्यूल की संख्या हम लाखों में ले रहे हैं, इसलिए मॉलिक्यूल की अधिक संख्या हम ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे दिखा देंगे एन। आगे एन का मतलब इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, इनकी संख्या अगर बहुत ज्यादा रहेगी तभी इसका पॉलीमराइजेशन हो पाता है। पॉलीमराइजेशन में एक चैन बनाना चालू कर देता है ये कंपाउंड। तो अब ये बॉन्ड दो तरफ टूटा और दोनों तरफ टूटने के बाद ये क्या बना लेता है, पॉलीथीन। अब ये बॉन्ड टूट रहा है यानी कि इसके बीच में सिर्फ एक बॉन्ड बचा, तो हम लिखेंगे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन दो है इसके साथ, अब इसके साथ दो हाइड्रोजन दिखा दीजिए, ये हमने दिखा दिया। अब इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा थी, एक आधा और हम बढ़ा लेते हैं कार्बन, ठीक है, ये हमने बढ़ा लिया। अब ये जो बॉन्ड टूटा है ये सबसे अंतिम में जाएगा, आखिरी में, और सबसे पहले भी आएगा आधा आधा। तो आप ऐसे आधा आधा बॉन्ड लगा लेंगे और ऐसे इसको बंद करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे एन। ये वही संख्या एन है जो हम रिएक्शन के दौरान हम इसको लिए थे, तो यहाँ पे एन और यहाँ पर भी एन लगा दीजिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर डबल बॉन्ड तो गायब हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड था यानी कि एक नया कंपाउंड बन गया। अब ये जो नया कंपाउंड बना हुआ है
इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीथीन। क्या कहते हैं, पॉलीथीन। अब ये जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन बना किससे है, एथीन से, एथीन से बना हुआ है। अब इसे पॉलीथीन क्यों कहते हैं, हम इसे पॉलीथीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका हमने कराया पॉलीमराइजेशन। अब जब हम इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो पॉली जो वर्ड है, ये जो पॉली वर्ड है, यहाँ पे पॉली दिख रहा है, पॉली, यही पॉली वर्ड इसके नाम के आगे हम जोड़ देते हैं, इसका नाम क्या आ जाता है, पॉलीथीन। पॉलीथीन भी कई टाइप के होते हैं बच्चों, जैसे एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, कुछ होते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। कहीं पर आप लो डेंसिटी पॉलीथीन देखेंगे और कहीं आपको हाई डेंसिटी पॉलीथीन देखने को मिलता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन का उपयोग हम सामान्य तौर पर वो पन्नी वाला झोला जो आप मार्केट से लेके आते हैं उससे बनाने में करते हैं, हल्की चीज़ों को बनाने में लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज करते हैं। और जब हाई डेंसिटी पॉलीथीन का उपयोग करना होता है तो इसका उपयोग हम करते हैं बॉटल बनाने में, जैसे दूध पीते बत्ते का जो आप बॉटल देखते हैं वो बॉटल भी बना जाता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन से। आप घर में जिस जग से नहाते हैं वो जग भी अगर हाई डेंसिटी पॉलीथीन का ही बना हुआ होता है, ठीक है। अब लेकिन डिफरेंस क्या आ जाता है कि किसे हम लो डेंसिटी कहेंगे और किसे हाई डेंसिटी कहेंगे। देखिए, लो डेंसिटी पॉलीथीन वह पॉलीथीन होता है जिसका पॉलीमराइजेशन कराने के लिए हम नियर अबाउट 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेकर के 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे देते हैं और साथ में जो टेम्परेचर रहता है उस टेम्परेचर को हम नियर अबाउट रखते हैं 352-575 केल्विन के नियर अबाउट, हम बता रहे हैं, ठीक है, इतना नियर अबाउट उसका हम टेम्परेचर रखते हैं और प्रेशर, तो बनता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। वहीं पर जब हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाना रहता है तो इसको बनाने के लिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब दोनों घटा देते हैं, प्रेशर भी घटा देंगे और टेम्परेचर भी। प्रेशर नियर अबाउट 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले सकते हैं और टेम्परेचर नियर अबाउट 333 केल्विन से लेकर के 343 केल्विन तक हम रखते हैं। और साथ में लेना पड़ता है कैटलिस्ट, उस कैटलिस्ट का नाम है जिग्लर नेट्टा कैटलिस्ट। ये याद रख लीजिएगा, जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है उसमें हम जिग्लर नेट्टा कैटलिस्ट रखते हैं। इसका कोई अलग से केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। ये जो आप एरो लगाए हुए हैं, एरो, ये जो एरो है ना बीच में, इस एरो पर अगर आप ये लिख देंगे नियर अबाउट, मान लीजिए 1000 एटीएम से लेकर के 2K, यहाँ पर 2K का मतलब 1000 समझ जाइएगा आप, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर देते हैं 352-575 केल्विन, तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा आपका, लो डेंसिटी, क्योंकि हमने टेम्परेचर प्रेशर इतना रख दिया तो लो डेंसिटी। अब इसी की जगह पे अगर आप इन दोनों का वैल्यू ला के रख देते हैं 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लाके 333 केल्विन to 343 केल्विन, तो ये कौन सा बन जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। आपको रिएक्शन चेंज नहीं करना है, सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस इसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर देंगे तो लो डेंसिटी हाई डेंसिटी बन जाएगा। दैनिक जीवन में जितनी भी चीज़ें उपयोग होती हैं वो मैक्सिमम चीज़ें पॉलीथीन की बनाई जाती हैं और पॉलीथीन का उपयोग पूरी दुनिया में किया जाता है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी बहुत ज़्यादा हमारे वातावरण पर पड़ता है क्योंकि पॉलीथीन जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। इसे आप कहीं जमीन में अगर फेंक देते हैं तो कई सौ सालों तक वैसे ही पड़ा रहता है, जल्दी सड़ता नहीं है, तो पॉलीथीन का उपयोग भी कम किया जाना चाहिए। हमारा बस उद्देश्य है कि आपको समझाना कि आखिर ये बनता कैसे है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।